हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी यूपीएससी। एनसीईआरटी यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो नए वर्ड्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इन वर्ड्स को आप अपनी वोकैबुलरी में शामिल कीजिएगा, डेली इन वर्ड्स को यूज लीजिए सेंटेंसेस में। आपकी वोकैबुलरी बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत शार्प हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला वर्ड है मेटिकुलस, ये एक एडजेक्टिव है। मेटिकुलस इसका मतलब होता है पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल। जब आप कोई भी चीज करते हो, बिल्कुल बारीकी से करते हो, हर चीज पर केयरफुल अटेंशन पे करते हो, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, मेटिकुलस। जैसा कि पहला एग्जांपल है, मेटिकुलस असेसमेंट्स ऑफ द कॉजेस ऑफ पेन आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वे टू इंप्रूव इट। मतलब एक डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड टेस्ट, डिटेल्ड असेसमेंट, जो बारीकी से असेसमेंट की जरूरत है, जो कॉजेज है पेन के, अगर जो दर्द होता है जैसे हेडेक होता है या और कोई पेन है आपका, माइग्रेन पेन है या कोई भी पेन है, उसकी जो कॉजेस है उसका डिटेल स्टडी जरूरी है, उसका डिटेल असेसमेंट जरूरी है, अगर हमें उसे सुधारना है। तो मेटिकुलस असेसमेंट्स ऑफ द कॉजेस ऑफ पेन आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वे टू इंप्रूव इट। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्रंप इज मेटिकुलस अबाउट हिज अपीयरेंस। तो मतलब ट्रंप क्या है, मेटिकुलस है, मतलब बहुत केयरफुल अटेंशन पे करते हैं अपनी अपीयरेंस को लेके, जब वो किसी हेड ऑफ द स्टेट से मिलते हैं दूसरे, या कि अपनी प्रेस के सामने या मीडिया के सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो बहुत मेटिकुलस है वो। मतलब वो बारीकी से अपने आप को परखते हैं, हर हर चीज को जांच परख कर ही वो काम करते हैं, बहुत मेटिकुलस है। दूसरा आपका जो वर्ड है क्विक्सोटिक, इसका मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल। मतलब जो चीज क्या है, इम्प्रैक्टिकल लगती है, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकल। तो क्या है वर्ड, एग्जॉटिक उसके लिए। जैसा आपका एग्जांपल है, एवरीवन टोल्ड जेनिफर हर ड्रीम ऑफ बीइंग अ हॉलीवुड स्टार वाज एग्जॉटिक, बट सी प्रूव्ड देम रॉन्ग व्हेन सी बिकेम अ 10 मिलियन डॉलर एक्ट्रेस। मतलब हर किसी ने जेनिफर को बोला था कि उसका जो ड्रीम है एक हॉलीवुड स्टार बनने का, वो क्या एग्जॉटिक है, मतलब वो इम्प्रैक्टिकल, वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने सबको क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया 10 मिलियन डॉलर एक्ट्रेस बनके। तो एग्जॉटिक यहां पे क्या मतलब है, इम्प्रैक्टिकल। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑल्दो जैक्स प्लान फॉर किलिंग द जायंट वाज एग्जॉटिक, इट वाज द विलेजेस ओनली होप। मतलब जो जैक का प्लान है जायंट को खत्म करने का, जायंट यहां पे रेफर करके बोला गया है किसी बड़े जानवर को खत्म करने का जो लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है, तो उसको उसका जो प्लान है उसको जायंट को खत्म करने का, वो क्या एग्जॉटिक है, लोगों को भी लग रहा है क्या ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन ये जो आखिरी प्लान है यही बस लोगों की आखिरी होप है। तो ऑल्दो जैक्स प्लान फॉर किलिंग द जायंट वाज एग्जॉटिक, इट वाज द विलेजेस ओनली होप। तो फ्रेंड्स, ये दो नए वर्ड्स हमने आज सीखे, एग्जॉटिक और एक दूसरा वर्ड हमने सीखा मेटिकुलस। आप इन वर्ड्स को अपनी डेली सेंटेंसेस में यूज कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को शार्प कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।